नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मंगेल गांव ब्लास्ट की आरोपी और मध्य प्रदेश भोपाल से भाजपा की उम्मीदवार प्रज्ञा सिंह ठाकुर को चुनाव आयोग जल्द ही नोटिस जारी करने वाला है। प्रज्ञा ठाकुर को ये नोटिस 26/11 हमले में शहीद हुए हेमंत करकरे के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर जारी किया जाएगा। भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात करते हुए गुरुवार शाम प्रज्ञा ने कहा था कि हमले के दौरान करकरे की मृत्यु हो गई क्योंकि उसने उसे प्रताड़ित करने के श्राप दिया था। हालांकि जैसे ही उनके इस बयान को लेकर विवाद हुआ, उन्होंने शुक्रवार को माफी भी मांग ली। भोपाल के जिला निर्वाचन अधिकारी और भोपाल कलेक्टर सुदाम खाड़े ने कहा कि हमने बयान का संज्ञान ले लिया है और हमले पर सहायक रिटर्निंग ऑफिसर से रिपोर्ट मांगी है। हमें आज सुबह रिपोर्ट मिली और यह नोटिस जारी करने को कहा गया जो कि 26 घंटे के अंदर वापस करने योग्य है। उन्होंने कहा कि हम चुनाव आयोग को ARO रिपोर्ट भेजने जा रहे हैं। खड़े ने कहा, कार्यक्रम के आयोजन को कुछ शर्तों पर अनुमति दी गई थी क्योंकि आचार संहिता लागू थी। एक दूसरे अधिकारी के अनुसार कार्यक्रम की अनुमति देने से पहले निर्धारित शर्तों के अनुसार किसी भी विशेष व्यक्ति को बदनाम करने के लिए आपत्तिजनक भाषा का उपयोग करने पर प्रतिबंध है। जमानत पर बाहर प्रज्ञा ठाकुर को 2008 के मामले में कड़े महाराष्ट्र नियंत्रण अधिनियम के तहत आरोपों में अदालत द्वारा राहत दे दी गई है, लेकिन अभी भी अन्य आपराधिक प्रावधानों के तहत मुकदमा चल रहा है जिसमें गैर कानूनी प्रतिविधियों शामिल हैं। बुधवार को भाजपा में भोपाल सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। इस सीट से प्रज्ञा ठाकुर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह को टक्कर देंगी। करकरे के खिलाफ दिए गए प्रज्ञा के बयान के बाद राजनीतिक हलचल काफी तेज हो गई है। यहां एक और विपक्षी दलों में इस मामले पर भाजपा पर निशाना साधा, वहीं कांग्रेस ने मांग करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में माफी मांगे। भाजपा ने खुद को इस मामले से दूर रखते हुए कहा कि ये उनकी व्यक्तिगत सोच है। दोस्तों, प्रज्ञा ठाकुर के करकरे पर की गई टिप्पणी के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। न्यूज़ पसंद आई तो न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और राजनीति से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।